हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में WBBL का जो 19वां मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है एंड कौन से प्लेयर को आपको GL में ट्राई करके चलना है। सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे ताकि जब आप स्मॉल लीग में टीम क्रिएट करोगे आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और इस मैच में एक बेटर टीम क्रिएट करके जा सकते हो जिससे आपकी विनिंग अच्छी खासी हो जाएगी। देखो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट बताएंगे कि लास्ट के चार मैच में कैसा क्या स्कोर कार्ड रहा था, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मुकाबले जीते एंड सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं, बाकी प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेस पे हम उसको स्मॉल लीग में या फिर जीएल में ट्राई करके जाते हैं। उसके बाद प्लेयर्स का हेड टू हेड में कैसा प्रदर्शन है, वेन्यू पर कैसा प्रदर्शन है और जो जीएल खेलते हैं उनके लिए कि प्लेयर्स ने पहली इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है और सेकंड इनिंग में कैसा प्रदर्शन कर रखा है, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर होते हैं जो पहली इनिंग में तो अच्छा करते हैं बट सेकंड इनिंग में फ्लॉप रहते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो सेकंड इनिंग में अच्छा करते हैं तो पहली इनिंग में फ्लॉप रहते हैं। तो ऐसे प्लेयर्स पे आप नजर बनाकर जा सकते हो ताकि आपको स्मॉल लीग में या फिर जीएल में एक बेटर रैंक आ सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इस मैच के बारे में बात करें तो ये मैच आपको 9 नवंबर को सुबह 9:30 बजे जंक्शन ओवल मेलबर्न के ग्राउंड पर खेला जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है ज्वाइन कर लेना। देखो लास्ट मिनट के जो सारे चेंजेस रहते हैं मैं आपको वहीं पर अपडेट करता हूं, चाहे प्लेइंग 11 में चेंजेस हो, चाहे बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो, चाहे पिच रिपोर्ट में चेंजेस हो। अगर ये सारे चेंजेस आपको अवॉइड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। देखो अगर आपने वो ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको पता होगा कि अगर हम फाइनल टीम भी शेयर करते हैं तो साथ में वॉइस नोट डाल देते हैं ताकि ये चेंजेस करो तो इस के वजह से आपकी अच्छे खासे रैंक स्मॉल लीग में आ सकती है। बाकी पिच नंबर हम क्लियर समझाते हैं ताकि कई बार पिच नंबर की वजह से मैच में काफी डिफरेंट रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है, तो ये चीज आप ध्यान में रख के चलना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जाकर एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी दोस्तों अभी तक मतलब पिच रिपोर्ट के बारे में प्रॉपर नहीं पता तो अब बता देता हूं मैं आपको। देखो यहां टोटल 46 मुकाबले खेले गए हैं, 23 पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 23 सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता, मतलब दोनों का 50-50 है। अगर जो मतलब टीम क्वालिटी क्रिकेट खेलती है चाहे पहली इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो वो आराम से पिच पर जीत जाएगी। बाकी स्कोरिंग पैटर्न का बात किया जाए तो 150 के नीचे आपको 19 बार स्कोर बनाए और 150 से 169 के बीच में 20 बार, 170 से 189 के बीच में 5 बार और 190 के पार आपको 2 बार स्कोर बनाए। अगर एवरेज स्कोर का बात किया जाए तो 145 रन का है, हाईएस्ट स्कोर 192 और लोएस्ट स्कोर 186 रन है। देखो अगर बात किया जाए पेसर और स्पिनर्स का तो पेसर्स ने यहाँ पर 46 और स्पिनर्स ने यहाँ पर 52 विकेट पिक कर रखा है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात किया जाए तो 53% विकेट आपको स्पिनर्स ने और 47% विकेट आपको पेसर्स ने पिक कर रखा है। तो हम कह सकते हैं कि 50-50 है बट हाँ हम हमेशा आपको बताते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट में स्पिनर्स का दबदबा ज्यादा रहता है तो हम अपने टीम में क्वालिटी स्पिनर्स ज्यादा बैक करेंगे एज कम्पेयर टू पेसर्स हैं। बाकी लास्ट के चार मैचेस का अगर प्रदर्शन देखा जाए तो मेलबर्न स्टार ने पहले बैटिंग करते 122 रन स्कोर किए थे 7 विकेट खोकर और सिडनी इसके जवाब में 104 रन 1 विकेट खोकर डकवर्थ लुईस के हिसाब से इस टारगेट को काफी आराम से चेस कर लिया था, जिसमें पेसर्स ने 1 और 1 और स्पिनर्स ने 5 और 0 विकेट पिक किए थे। वहीं इससे पिछला मुकाबला एडिलेड स्ट्राइकर और मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच में खेला गया था जिसमें एडिलेड स्ट्राइकर की टीम ने 157 रन 7 विकेट खोकर बनाए थे 20 ओवर में और मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम ने 158 रन 8 विकेट खोकर 20 ओवर में इस टारगेट को चेस कर लिया था काफी आराम से, जिसमें पेसर्स ने 5 और 3 और स्पिनर्स ने 2 और 0 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला होबार्ट हरिकेन्स और मेलबर्न स्टार के बीच में खेला गया था जिसमें होबार्ट हरिकेन्स की टीम ने 133 रन 7 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे और मेलबर्न स्टार की टीम ने 136 रन 3 विकेट खोकर 17.5 ओवरों में इस टारगेट को चेस कर लिया था काफी आराम से, जिसमें पेसर्स ने 5 और 3 और स्पिनर्स ने 2 और 0 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच में खेला गया था जिसमें पर्थ स्कॉचर्स की टीम ने 140 रन 10 विकेट खोकर बनाए थे 19.4 ओवर में और मेलबर्न की टीम इसके जवाब में 141 रन 4 विकेट खोकर बनाई और इस टारगेट को चेस कर लिया था। देखो हमने जितने भी अभी तक मैचेस देखे सब में टारगेट चेस हुआ और आराम से हुआ है, तो जो टीम अगर पहले बैटिंग में अच्छा खासा स्कोर कर देगी तभी वो जीत सकती है, अदरवाइज छोटा मोटा टारगेट रहेगा तो आराम से टीम चेस कर लेती है। बाकी पेसर और स्पिनर्स में हमें स्पिनर्स का भी दबदबा देखने को मिल रहा है और पेसर्स को भी दबदबा देखने को मिल रहा है, तो हमें जो अच्छे बॉलर होंगे उनको अपने टीम में रोटेट करके
चलना होगा। बाकी अगर लास्ट के 10 मुकाबले का बात किया जाए तो मेलबर्न की टीम ने 4 मुकाबले जीते और मेलबर्न स्टार की टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे स्टार की टीम थोड़ी ज्यादा अपर हैंड रखती हुई दिख रही है। अगर रिसेंट फॉर्म का बात किया जाए तो 5 में से 2 मुकाबले आपको मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम जीत करा रही है और 5 में से 4 मुकाबले आपको मेलबर्न स्टार की टीम जीत करा रही है। तो हम कह सकते हैं कि मेलबर्न स्टार की टीम थोड़ी सी बेटर कंडीशन में, चाहे हेड टू हेड हो चाहे वो आपको रिसेंट परफॉर्मेंस, तो इस मैच में हम मेलबर्न स्टार को फेवरेट करके जा सकते हैं। बात करते हैं वैसे मेलबर्न रेनेगेड्स के प्लेइंग 11 की, तो हैली मैथ्यूज, कॉर्टनी वेब, एलाइस कैप्सी, डिएंड्रा डॉटिन, जॉर्जिया वेरम, सोफी मोलिनियक्स, उसके बाद एमा डी ब्रोगे और निकोल फालतून, उसके बाद नामी स्टर्नबर्ग, सारा कोयते और मिली इलिंगवर्थ है। देखो इनका जो लास्ट मैच का बैटिंग ऑर्डर था काफी ज्यादा फेरबदल देखने को मिला था। स्टर्नबर्ग आपको नंबर 4 पे, डॉटिन को नंबर 7 पे, डी ब्रो को नंबर 3 पे, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस करते हुए थे, बट ये जो इनका आइडियल बैटिंग पोजीशन है ये है इनका मेलबर्न स्टार रेनेगेड्स की। बात करते हैं इनके स्टार्टिंग ओवर, तो मिली इलिंगवर्थ और डिएंड्रा डॉटिन और सोफी मोलिनिक्स तीनों ओपनिंग गेंदबाजी की थी और डेथ में आपको हैली मैथ्यूज, होप सोफी मोलिनिक्स और जॉर्जिया वेरम आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख गई थी। बात करते हैं इनके प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो देखो हैली मैथ्यूज का बात किया जाए तो लास्ट मैच में 2 विकेट भी पिक किए थे और 11 रन स्कोर किए, तो उससे पहले 0 है, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट। तो देखो हैली मैथ्यूज आपके टीम के कैप्टनसी का सबसे डिफॉल्ट चॉइस है, आपको लास्ट में जाते जाते 1 से 2 विकेट पिक करके चली ही जाती है, तो इसकी वजह से डिफॉल्ट चॉइस आपकी टीम के लिए होनी चाहिए। इन्होंने हेड टू हेड में भी 13 विकेट और वेन्यू पर इन्होंने 15 विकेट पिक कर रखा है, तो बाय डिफॉल्ट आप इनको स्मॉल लीग में कैप्टनसी देके चले जाना। बाकी कॉर्टनी वेब का बात किया जाए तो देखो दोनों टीम्स के पास बहुत से क्वालिटी प्लेयर हैं, इसकी वजह से मुझे कॉर्टनी वेब को मुश्किल से ड्रॉप करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो अगर इनको मैं पिक करने जाऊंगा तो मेरे को और बढ़िया बढ़िया प्लेयर छोड़ना पड़ेगा और ये उतनी अच्छे प्लेयर मतलब बैटिंग से भी परफॉर्म कर नहीं रही है लास्ट के 2 मैच से, उससे पहले इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था बट उसके पिछले सीजन का बात किया जाए तो इनका कुछ खास प्रदर्शन था नहीं, तो वेब को हम जीएल में ट्राई करके चलेंगे। बाकी एलाइस कैप्सी लास्ट मैच में 5 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, फिर 2 विकेट, गेंदबाजी से काफी ज्यादा ही शानदार फॉर्म में थी और ये लास्ट सीजन मेलबर्न स्टार के लिए खेलती थी, तो उनको पता है कि कैसे मेलबर्न स्टार की टीम खेलती है, तो उनके मतलब हिसाब से बॉलिंग कराकर अच्छे खासे विकेट निकाल सकती है। बाकी डॉटिंग का बात किया जाए तो लास्ट मैच में 40, उससे पहले 20 मतलब रन भी स्कोर कर रही है और 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी कर रही है तो विकेट भी निकाल दिया, तो डॉटिन आपकी टीम के एक इंपॉर्टेंट चॉइस इस मैच के लिए रह सकती है। बाकी वेरम को बाय डिफॉल्ट आप ट्राई करके चलना, देखो ये वेरम आपको वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक अच्छी चॉइस रहेगी, लास्ट मैच में विकेटलेस रही थी बट उससे पहले 1 फिर 2 फिर 1 फिर रन भी स्कोर करी थी इनने और इन्होंने वेन्यू पर 19 मैच में 19 विकेट पिक कर रखा, तो बाय डिफॉल्ट मेरा वाइस कैप्टनसी ये रह सकती है। बाकी सोफी मोलिनिक्स की बात किया जाए तो लास्ट मैच खेली नहीं थी बट उससे पहले इन्होंने 2 विकेट और 64 रन, फिर 4 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 17 रन प्लस 1 विकेट है, इन्होंने हेड टू हेड में 7 विकेट और वेन्यू पर 14 विकेट पिक कर रखे हैं। मोलिनिक्स को मैं ट्राई करके चलूंगा, डेफिनेटली इस मैच में वापसी करते हुए दिखेंगी और अच्छे खासे रन भी स्कोर कर सकते हैं और विकेट भी निकाल सकती हैं। बाकी डी ब्रोगे, निकोल फालतून और स्टर्नबर्ग, ये तीनों को आप जीएल में ट्राई करके चलना, काफी नीचे बैटिंग पोजीशन है, एक मैच में प्रमोट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मैच में इनको प्रमोट किया जाएगा, जीएल में आप ट्राई करके चलना। बाकी अगर बात की जाए सारा कोयते, तो देखो इनको ओवर कट हो रहा है, मुश्किल से 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी मिल रही है, तो इन पर रिस्क लेना थोड़ा सा बेवकूफी होगा, क्योंकि जब जानते हो कि इनका ओवर कट है उसके बाद भी अपने टीम में ट्राई कर रहे हो तो मतलब आप लॉस ही कर रहे हो, तो इनको हम जीएल में ट्राई करके चलेंगे। बाकी इलिंगवर्थ भी एक अच्छी चॉइस नहीं है, लास्ट मैच भले इन्होंने 2 विकेट पिक कर लिया था बट इनके ओवर 100% कटेंगे अगर सोफी मोलिनिक्स आ गए तो। बाकी लिंसी स्मिथ और यहां से हो जाएंगी एला हेवर्ड और जे डूली, आपको तीनों बेंच पे दिखेंगी, कोई खेलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बात कर लेते हैं वैसे मेलबर्न स्टार सॉरी रेनेगेड्स की, नाम ही कंफ्यूजन है, 2 एक मेलबर्न स्टार है और एक मेलबर्न रेनेगेड्स है। मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात किया जाए तो हैली मैथ्यूज बाय डिफॉल्ट, कॉर्टनी वेब को ड्रॉप करके जा रहा हूँ बट देखते हैं अगर एडजस्ट कर सकते हो तो जीएल में डेफिनेटली कर लेना। बाकी एलाइस कैप्सी और डिएंड्रा डॉटिन बाय डिफॉल्ट, जॉर्जिया वेरम और सोफी मोलिनिक्स बाय डिफॉल्ट, 5 प्लेयर हो गए इधर से, डी ब्रो गए जीएल में, निकोल फालतून जीएल में, नामी स्टर्नबर्ग जीएल में, सारा कोयते जीएल में और एम इलिंगवर्थ जीएल में, इधर से 6 बेटर प्लेयर हो गए कॉर्टनी वेब को लेकर, तुम में से कोई 5 या 6 के 6 भी आप ट्राई करके जा सकते हो। बाकी दोस्तों अभी तक आपने बूम 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्यों? देखो यहां पर सबसे पहले आपको 2 मिनट का एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलता है जिसका फायदा आप 100% उठा सकते हो। मान लो अगर पहले ओवर में विकेट गिर जाता है तो आप यहां पर चेंजेस करके और उस चीज को फायदा ले सकते हो, तो वो चीजें जरूर करना और यहां पर टीडीएस भी नहीं लगता, जीएसटी भी नहीं लगता। सबसे पहले
टीडीएस और जीएसटी फ्री फैंटेसी ऐप आपको 2 मिलियन बनी थी और यहाँ पर जो एंट्री फीस है दूसरे ऐप के मुकाबले काफी कम पे करना पड़ता है और 20,000 का फ्री गिवअवे भी है, तो जिसका फायदा उठा सकते हो अगर जिस भाई के पास पैसे नहीं है। और देखो यहाँ पर कंपटीशन भी नहीं है कोई, मतलब बहुत कम ही ऐप आपको फ्री गिवअवे देते हैं और जो देते हैं उनके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, तो इनके पास कंपटीशन बहुत कम है, आराम से जीत सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड भी अच्छे खासे, जाकर एक बार आप चेकआउट कर लेना। बात करते हैं मेलबर्न स्टार के प्लेइंग 11 की, तो इनेस मैक्योन, उसके बाद यास्तिका भाटिया, मैग लैनिंग, एनाबेल सदरलैंड, मरियाना कैप, उसके बाद दीप्ति शर्मा, टेस फिलिंग टॉप, आर मैकिन्ना, किम गार, चोफी डे और मैसी गिब्सन, ये हो सकती है मेलबर्न स्टार की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि इस मैच में खेल सकती है। स्टार्टिंग ओवर आपको एम कैप, किम गार और टेस फिलिंग टॉप रहेंगी, डेथ में आपको एनाबेल सदरलैंड, मरियाना कैप और दीप्ति शर्मा आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगी। बात करते हैं मेलबर्न स्टार के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की और किसको हम स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है। देखो यास्तिका भाटिया को 97% लोग पिक करें, मेनली दो रीजन है, एक तो रिसेंट के कुछ मैचेस में इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन कर रखा है और जो विकेट कीपिंग में अपोनेंट सेक्शन में निकोल फालतू काफी नीचे बैटिंग करने आ रही है, तो उनसे काफी लाख गुना बढ़िया आपके पास यास्तिका बाटे होंगे, तो बाय डिफॉल्ट इनको ट्राई करके चलना। मैकेन को जेल में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में काफी रिस्की चॉइस रहेंगी। मैग लैनिंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लास्ट मैच में 2 रन स्कोर किए तो इनका 10-12% लोग मतलब ड्रॉप कर रहे हैं अपने टीम से, बट उनको ये नहीं पता कितनी क्वालिटी प्लेयर है। इन्होंने 44 के एवरेज से रन कर रखा है अगेंस्ट मेलबर्न रेनिगेट्स और 28 के एवरेज से इस पिच पर कर रखे हैं और ये जानती है कैसे रन स्कोर करना, कैसे हैंडल करना प्रेशर को, तो इनको मैं बाय डिफॉल्ट ट्राई करूंगा। सदरलैंड लास्ट मैच में 42 रन स्कोर करके आ रही थी और मैं जस्ट आपको बताया भी था कि मरियाना कैप से आपको बेटर ऑप्शन सदरलैंड रहेगी। क्यों रहेगी? देखो एक तो आपको 2-3 ओवर की गेंदबाजी डेथ में करती और रन ज्यादा बढ़िया मरियाना कैप से स्कोर करती है, इसकी वजह से ये बेटर चॉइस आपके पास कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए रह सकती है। बाकी मरियाना कैप भी कोई बेकार ऑप्शन नहीं है, 4 ओवर इनको ही मिलता है, बट ये इनका ओवर पावर प्ले में खत्म कर दिया जाता है और बैटिंग से भी डिमोट कर दिया जाता है, तो इन्होंने हेड टू हेड में 18 विकेट और वेन्यू पर 5 विकेट, तो स्मॉल लीग में तो हम बाय डिफॉल्ट ट्राई करेंगे, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में सोच के देखेंगे। बाकी दीप्ति शर्मा लास्ट मैच में सिर्फ 1 रन और विकेटलेस रह गई थी तो लोग इनको ड्रॉप कर रहे हैं, बट हाँ हम अपनी टीम में तो ट्राई करेंगे, बट सीएनबीसी नहीं ट्राई करेंगे, वो बहुत रिस्की रह जाएंगी इसके वजह से। बाकी टेस फ्लिंट और जेल में, आर मैकिन्ना जेल में और किम गार्थ को बाय डिफॉल्ट स्मॉल लीग में हम ट्राई करेंगे। लास्ट मैच में सिडनी के खिलाफ सब लोग विकेटलेस रह गए थे, एक किम गार्थ ने भी 1 विकेट निकाला था और ये रिसेंट के 5 मैच में हर एक मैच में 1 से 2 विकेट निकाल दिए, तो ऐसे प्लेयर्स को हम कैसे मिस कर सकते हैं। बाकी सोफी डे के बाद क्या जाती, इन्होंने लास्ट मैच में विकेटलेस रह गए तो उससे पहले 1-1-3-1 हर एक मैच में एटलीस्ट 1 विकेट तो निकाल ही रही थी, तो आप अगर बैक करना चाहते हो तो बैक कर लेना, मैं आपको बता दूंगा किसके प्लेस पे आप बैक कर लेना। बाकी मैसी गिब्सन जीएल में ट्राई करना। बाकी बात करते हैं बेंच पे सोफी रेड, हर्षद गिल और यहां से आपको सासा मोले नहीं जाएंगे, अगर कोई खेलता तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बात कर लेते हैं वैसे मेलबर्न स्टार के प्लेयर्स के किसको हमें ट्राई करना है, तो यास्तिका भाटिया बाय डिफॉल्ट, इनेस मैकेन जीएल में, मैग लैनिंग सदरलैंड और मरियाना कैप दीप्ति समय, ये चारों को आपको बाय डिफॉल्ट मतलब आंख बंद करके अपने टीम में ट्राई करना है। बाकी फ्लिंट को जेल में ट्राई करना, मैकेन्ना को जेल में ट्राई करना, किम गार्थ को बाय डिफॉल्ट स्मॉल लीग में, सोफी डे को आप एज अ ट्रम्प प्लेयर ट्राई करके चले जाना, बाकी मैसी गिब्सन को जेल में ट्राई करना। बाकी बात करते हैं दोस्तों कैप्टनसी के लिए, तो हैली मैथ्यूज सबसे बाय डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन होगी, बाकी वाइस कैप्टनसी में आप मरियाना कैप, जॉर्जिया वेरम, उसके बाद एलाइज कैप्सिन, एनाबेल सदरलैंड, ये चारों को आप वाइस कैप्टनसी के लिए रोटेट करते चलना। अगर जिनको नहीं रोटेट कर पा रहे उनको जीएल में डेफिनेटली कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देके जाना, खासकर मैग लैनिंग पे एक बार भरोसा आप जरूर जताना, बेहतरीन प्रदर्शन करके जा सकती हैं। बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना, देखो वहां पर हम मैक्सिमम मैचेस डोमेस्टिक के कवर करने की कोशिश करेंगे, T10 डोमेस्टिक और अदर जो वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे, वर्ल्ड कप बी जो मैचेस चल रहे वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे, तो जो लोग वो सब मैचेस देखना इंटरेस्टेड है वो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी जीएल की भी वीडियो अगर चाहिए, जो मैं यहाँ पर मैचेस कवर करता हूँ उसका जीएल का वीडियो, तो मैं अपने सेकंड चैनल पे अपडेट कर देता हूँ, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जाकर एक बार आप चेकआउट कर लेना। बात करते हैं अब टीम का, तो जैसे कि मैंने बताया यास्तिका भाटिया आपको आंख बंद करके अपने टीम में ट्राई करना है, बाकी बैटिंग सेक्शन से यहां से मैग लैनिंग, डिएंडर डॉटिन और हैली मैथ्यूज को ट्राई करेंगे, बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से कैप, सदरलैंड, दीप्ति शर्मा, वेराम और हैली मैथ्यूज, और बॉलिंग से बात किया जाए तो सोफी मोलिनिक्स और किम गार्थ। अगर सोफी मोलिनिक्स नहीं खेलती है तो मैं इनके प्लेस पे सोफी डे को अपने टीम में ट्राई कर लूंगा। कैप्टनसी तो बाय डिफॉल्ट रहेंगी हैली मैथ्यूज और वाइस कैप्टनसी रहेंगी
जॉर्जे वेरम। आप चाहो तो वाइस कैप्टनसी में सदरलैंड कैप या फिर आप दीप्ति शर्मा, सोफी मलनिक, किम गार्थ, मैग लेनिंग, ये सारे ही बेहतरीन मेरे को लग रहा है। ये सात टीम जो है ना वाइस कैप्टनसी के लिए सब बेहतरीन है। जीएल में कॉम्बिनेशन एक एक का बना के चलना बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने जो 11 प्लेयर आपको बताए 11 के 11 बेस्ट ऑप्शन है वाइस कैप्टनसी के लिए इस मैच में, आप ये मान के चलो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो के साथ। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ वीडियो को यहाँ तक देखे उसके लिए धन्यवाद भाइयों।